हाय, आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ राकेश नायक और आज हम NFA के ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि इस चैनल में हम हर एक वीडियो दो डिफरेंट लैंग्वेज में प्रोड्यूस करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, काइंडली फॉलो कीजिए। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम NFA क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ NFA कैसे हम इसको फाइंड करें, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये पहला पार्ट है जिसमें कि NFA के ऊपर एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए डायरेक्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। ऐसा एक NFA डिजाइन करें A और B के ऊपर जिसका कि स्टार्टिंग स्टेट A हो। तो जैसे कि हम DFA में करते थे कि पहले कौन कौन सा स्ट्रिंग है जो कि स्टार्टिंग A से होता है उसको पहले देख लेते हैं। A हो सकता है AA AB, और इसका मतलब A से स्टार्ट होने के बाद उसके बाद कुछ भी। तो मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ जो है वो है एक, और एक स्ट्रिंग लेंथ के लिए हमको एक ट्रांजिशन चाहिए और एक ट्रांजिशन के लिए कम से कम हमको दो स्टेट्स चाहिए। तो इसको अगर हम देखें तो क्यू नॉट से स्टार्ट हो गया, एक ट्रांजिशन दे दिए, ए क्यू वन में आ गया, ये स्टेट है, और उसके बाद कुछ भी ए और बी हम दे सकते हैं लेकिन क्योंकि ए से स्टार्ट हो चुका है। DFA में हम यहां पर बी भी डिफाइन करते थे लेकिन NFA में दरकार नहीं है। तो चलिए इसका ट्रांजिशन टेबल भी देख लेते हैं। क्यू नॉट जो है स्टार्टिंग स्टेट, क्यू वन जो है इसका फाइनल स्टेट है। क्यू नॉट पे अगर ए इनपुट देते हैं तो क्यू वन पे आ जाता है, और बी इनपुट के लिए डिफाइन नहीं है इसलिए हम यहां पर फाइव लिखेंगे। क्यू वन पे ए या बी दें कुछ भी, ये क्यू वन पे ही रहेगा। आशा करता हूं कि एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा एक NFA डिजाइन करते हैं ए और बी के ऊपर जो कि ए से एंड हो रहा। तो उसी तरह से कौन कौन से स्ट्रिंग है ये लैंग्वेज में जो कि ए से एंड होता हो उसको भी देख लेते हैं। तो ए आ सकता है, ए ए आ सकता है, बी ए आ सकता है, इसका मतलब कुछ भी आ जाए लास्ट में लेकिन ए आ जाना चाहिए। तो मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ है वन, और एक अगर स्ट्रिंग लेंथ है तो एक ही ट्रांजिशन चाहिए, और एक ट्रांजिशन के लिए हमको दो स्टेट्स चाहिए। तो Q0 से हम स्टार्ट कर लिए, ट्रांजिशन A में Q1 में आ गए। एंड विथ A मतलब इससे पहले कुछ भी आ सकता, इसीलिए यहां पर हम एक सेल्फ लूप दे दिए A और B पर। तो इसका भी हम ट्रांजिशन टेबल देख लेते हैं। Q0 और Q1 दो स्टेट है, और Q0 जो है स्टार्टिंग स्टेट, Q1 जो है फाइनल स्टेट है, और दो इनपुट सिंबल A और B के ऊपर डिफाइंड है। अगर Q0 के ऊपर A इनपुट सिंबल देते हैं तो ये Q0 में भी आ सकता है और Q1 में भी आ सकता है। तो यहां पर Q0 और Q1 हम लिखे। अगर Q0 पे अगर हम B इनपुट सिंबल देते हैं तो ये Q0 में ही रहेगा, और Q1 पे हम A पर या फिर B पर कोई भी इनपुट सिंबल डिस्कस नहीं किए हैं, तो इस यहां पर हम लिख सकते हैं Q1 पे A या फिर B आ जाए ये फाइव में आ जाएगा। तो और एक प्रॉब्लम लेके देखते हैं। ऐसा एक NFA डिजाइन करते हैं जीरो और वन के ऊपर जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड कैरेक्टर जो है जीरो होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड कैरेक्टर मतलब क्या है? अगर लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड कैरेक्टर है ये लैंग्वेज में किस तरह के स्ट्रिंग रहेंगे? वन जीरो रह सकता है, जीरो जीरो रह सकता है, इसका मतलब फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी रहे सेकंड कैरेक्टर है जीरो रहेगा और उसके बाद कुछ भी रह सकता है। तो मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ जो है वो है दो, और अगर हम स्ट्रिंग लेंथ दो की बात करते हैं इसका मतलब दो ट्रांजिशन चाहिए, और दो ट्रांजिशन के लिए हमको तीन स्टेट्स चाहिए। तो इस तरह से फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेट क्यू नॉट है, इसके ऊपर जीरो और वन कुछ भी दे सकते हैं, ये क्यू वन पे आ जाएगा, और जो सेकंड कैरेक्टर है जीरो ये फाइनल स्टेट में आ गया। जैसे कि कहा गया है लेफ्ट हैंड साइड के सेकंड कैरेक्टर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट कैरेक्टर और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड कैरेक्टर, और उसके बाद कुछ भी आ सकता है, इसका मतलब यहां पर हम सेल्फ लूप जीरो और वन पर दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा NFA जो कि लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड कैरेक्टर को जीरो से एक्सेप्ट कर रहा है।
तो इसका ट्रांजिशन टेबल देखते हैं, क्यू नॉट जो है स्टार्टिंग स्टेट है, अगर हम जीरो या फिर वन इनपुट देते हैं तो ये क्यू वन में आ जाएगा, अगर क्यू वन में है और जीरो इनपुट सिंबल देते हैं तो क्यू टू में आ जाता है, और वन इनपुट सिंबल डिफाइंड नहीं है इसलिए यहां पर हम फाइव लिखेंगे। क्यू टू जो है फाइनल स्टेट है, इस पे हम जीरो या फिर वन दें ये वही फाइनल स्टेट में रहेगा, यहां पर लिखेंगे हम क्यू टू। तो ये हो गया हमारा एनएफए जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड से सेकेंड कैरेक्टर जीरो को एक्सेप्ट करता है। तो उसी प्रॉब्लम को एक्सटेंड करते हैं कि राइट हैंड साइड से सेकेंड कैरेक्टर कैसे जीरो हो, तो इसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हुए ये स्ट्रिंग्स हैं, राइट हैंड साइड से सेकेंड कैरेक्टर जो है जीरो है, इसका मतलब कुछ भी आ जाए पहले जीरो आएगा उसके बाद आइदर जीरो या फिर वन आ सकता है। तो मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ जो है वो है दो, और दो स्ट्रिंग लेंथ मतलब है दो ट्रांजिशन, और दो ट्रांजिशन के लिए हमको तीन स्टेट चाहिए होते हैं। लास्ट स्टेट जो है फाइनल स्टेट, जीरो और वन ट्रांजिशन में हम फाइनल स्टेट में आ जाएंगे, और इससे वाले स्टेट में आने के लिए एक ट्रांजिशन चाहिए जो कि जीरो ट्रांजिशन होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है राइट हैंड साइड से सेकेंड ट्रांजिशन जो है वो जीरो होना चाहिए, तो ये हो गया जीरो। तो इससे पहले कुछ भी आ सकता है इसलिए हम यहां पर सेल्फ लूप पर जीरो और वन दे सकते हैं। तो चलिए इसका ट्रांजिशन टेबल भी देख लेते हैं। जीरो जो है स्टार्टिंग स्टेट है, तो यहां पर जीरो इनपुट पर क्यू नॉट या फिर क्यू वन में आ जाएंगे, और यहां पर वन इनपुट पर देखिए क्यू वन में आ गए। अगर हम क्यू वन स्टेट में हैं और जीरो या फिर वन इनपुट देते हैं तो क्यू टू स्टेट में आ जाता है, और क्यू टू स्टेट में कोई इनपुट सिंबल के लिए डिफाइंड नहीं है इसलिए क्यू टू पर जीरो या फिर वन दे ये फाइव में आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इजी है। ऐसा एक एनएफए डिजाइन करते हैं जिसमें कि एग्जैक्टली स्ट्रिंग लेंथ 2 आना चाहिए। अगर स्ट्रिंग लेंथ 2 आता है तो 2 ट्रांजिशन चाहिए, और 2 ट्रांजिशन के लिए हमको 3 स्टेट चाहिए। तो क्यू नॉट से स्टार्टिंग स्टेट ले ले, 0 और 1 पर क्यू 1 में आ गए, और 0 और 1 पर हम क्यू 2 में आ गए, एग्जैक्टली 2 हो गया, ये हमारा एनएफए बन गया, उससे आगे कुछ नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि आप इसका ट्रांजिशन टेबल भी लिखें। और एक प्रॉब्लम देखते हैं, यहां पर वही जीरो और वन के ऊपर एक एनएफए डिजाइन करेंगे जिसमें कि एटमोस्ट 2 स्ट्रिंग लेंथ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है। सो क्यू नॉट जो कि स्टार्टिंग स्टेट है वो भी एक्सेप्टेड स्टेट होगा, क्यू वन में भी एक्सेप्टेड स्टेट होगा, और क्यू टू भी एक्सेप्टेड स्टेट होगा। तो ये तीनों को हम फाइनल स्टेट डिनोट कर दिए, और इनका जो ट्रांजिशन है 0 या फिर 1 हो सकता है। तो ये हो गया एक एनएफए जो कि एटमोस्ट 2 स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट करेगा। आप इसका भी ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कीजिए। तो थोड़ा सा और एनहेंस करते हैं प्रॉब्लम को। ऐसा एक एनएफए डिजाइन करते हैं 0 और 1 के ऊपर जिसमें कि एटलीस्ट 2 स्ट्रिंग लेंथ एक्सेप्ट। अभी तक हम देख चुके हैं एग्जैक्टली 2 स्ट्रिंग लेंथ कैसे होता है, उसी का एक्सटेंशन करेंगे। ये हो गया एनएफए जिसमें कि एग्जैक्टली 2 स्ट्रिंग लेंथ एक्सेप्ट होता है। एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो उससे ज्यादा अगर लें तो क्या करेंगे, ये फाइनल स्टेट में 0 और 1 का ट्रांजिशन डाल देंगे। तो ये एनएफए बन गया एटलीस्ट 2 स्ट्रिंग लेंथ। आशा करता हूं कि ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया हो। और एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ऐसा एक एनएफए डिजाइन करें ए और बी के ऊपर जो कि ऐसा लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे जिसमें कि नंबर ऑफ एस मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए। हम डीएफए जब डिस्कस किए तो ऑपरेशंस ऑफ डीएफए में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम इसको सोचें। तो पहले ये देखते हैं ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जिसमें कि स्ट्रिंग लेंथ मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। तो ये लैंग्वेज जो है एप्सिलॉन हो सकता है, 3a हो सकता है, 6a हो सकता है, तो इस तरह का लैंग्वेज को ये एक्सेप्ट करेगा। तो इसका एनएफए ये बन गया कि क्यू नॉट से स्टार्टिंग स्टेट और फाइनल स्टेट हो गया क्योंकि एप्सिलॉन एक्सेप्ट करने वाला है। तो ए ट्रांजिशन में क्यू वन, फिर एक ए ट्रांजिशन में क्यू टू, और फिर एक ए ट्रांजिशन में क्यू नॉट में आ गए। तो जितने बार हम क्यू नॉट में आएंगे उतने बार 3a आते जाएंगे,
तो मल्टीपल ऑफ थ्री एज आते जाएंगे। लेकिन ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री, तीन का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे डिजाइन करते हैं, डीएफए में हम किए थे, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल करते हैं और नॉन फाइनल को फाइनल करते हैं। तो ये इस तरह से नजर आएगा, क्यू नॉट स्टार्टिंग स्टेट है, ए ट्रांजिशन में क्यू वन ये फाइनल स्टेट बन गया, फिर ए ट्रांजिशन में क्यू टू ये फाइनल स्टेट बन गया, फिर ए ट्रांजिशन में क्यू नॉट। यहां पर जो फाइनल स्टेट था यहां पर नॉन फाइनल स्टेट है, और यहां पर जो नॉन फाइनल स्टेट था यहां पर फाइनल स्टेट। आशा करता हूं ये आपको याद है और आपको ये समझ में भी आया। अगर आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर लिखिए। आने वाले वीडियो में एनएफए के ऊपर और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।